नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गीत स्वागत करती हूँ एक बार और अपने एक न्यू व्लॉग में। और आज थोड़ी सी साफ़ सफाई का मूड है और ये जो वायर वगैरह लगा हुआ है तो मैं सोच रही थी कि इसको निकाल दूँ, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये जो ऊपर वाला पोर्च है तो इसकी साफ़ सफाई करने का सोच रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर वायर भी बंधे हुए हैं बहुत सारे। इन्हें निकालने का भी सोच रही हूँ मैं, क्योंकि बरसात के टाइम पर इनको लगाया था, क्योंकि बरसात के टाइम पर कपड़े में यहीं पर सुखाती थी। तो अब बरसात ख़त्म हो गई है तो अब मैं सोच रही हूँ कि इन सबको यहाँ पर निकाल देती हूँ। और ये वायर यहाँ जो विंडो है, छत की विंडो, वहाँ से भी बंधा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोच रही हूँ कि इस वायर को यहाँ से केयरफुली निकाल लूँ मैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही गिर जाऊँ इसको निकालते निकालते। लेकिन नहीं, मैं नहीं गिरी, मैंने आज मतलब सफलतापूर्वक इसको निकाल लिया। अब ये जो आगे का वायर बंधा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा टाइट बांधा था, इसलिए बहुत सारी जगह बंधा हुआ है ये। और ये देखिए गाइस, मेरे पोर्च से सामने का नज़ारा कितना प्यारा दिखता है। सामने मंदिर है, गार्डन है, यहाँ मंदिर में आते जाते हुए लोग भी दिखते हैं, इसलिए मुझे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बहुत प्यारी जगह पर बना हुआ है घर। तो ये देखिए, यहाँ पर पौधे भी लगा रखे हैं। ये एक पुरानी अलमारी थी जिसको मैंने यूज़ किया था, लेकिन ये वापस से ख़राब हो गई है। और देखिए उसके ऊपर सामान भी कितना पड़ा हुआ है, इसलिए आज मैं ये सारा कुछ साफ़ करूँगी। और ये देखिए, ये एक पुरानी सीनरी जो कि मैंने खुद बनाई थी, एक पेड़ बनाया हुआ था और उसमें एक थॉट लिखा हुआ था जो कि पूरा ख़राब हो गया है, तो इसको भी वापस से मुझे सही करना पड़ेगा। और पीछे आपको वॉल पे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा होगा, और ये पेड़ भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था। इसमें कंडे वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि डेली पूजा होती है तो उसमें हवन किया जाता है, तो यहीं पर छत पर ही पड़े रहते हैं जिससे कि उसमें भी धूप लगती रहे। चीकू भी मेरी हेल्प कर रहा है, थोड़ा सा खुद भी खेल रहा है वो छत पर और मेरी साथ में हेल्प भी कर रहा है। वैसे बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, और जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। ये थोड़े बहुत सामान भी अभी यहाँ रखा है तो मैं इसको भी यहीं रहने दूँगी, क्योंकि दिवाली में वापस से पूरी डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी, इसलिए अभी जो ऊपर ऊपर का है वो सारा मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर एक ड्रम रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ पुराना सामान है, और ये अलमारी भी बेकार पड़ी थी जिसको मैंने इस तरीके से कवर करके, जो वॉलपेपर आता है उससे मैंने इसको कवर कर दिया था जिससे अच्छी दिखने लगी थी। ये देखिए, एक पुरानी ट्रे पड़ी थी मेरे पास जिसका यूज़ मैं पौधों को रखने के लिए करती हूँ, जिससे कि पानी नीचे नहीं गिरता है। और देखिए, यहाँ पे मैंने इतने सारे प्लांट्स रख दिए हैं, ये पौधे जो कि इंडोर प्लांट्स हैं। और ये देखिए, ये मछली है, ये कछुआ है, ये जेकू का कछुआ है जो कि वो इससे खेलते ही नहीं था, तो मैंने इसको काट के और इसमें ये प्लांट लगा दिया है। बताइएगा आप कमेंट करके कि कैसा लग रहा है ये। ये देखिए गाइस, मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, और इसे ट्रे में मैंने रख दिया, ये मैचिंग भी हो रहा है। लेकिन मैं इस ट्रे में कलर करूँगी अभी नहीं, लेकिन दिवाली के बाद करूँगी, क्योंकि अभी वापस से सब गंदा हो जाएगा। और ये देखिए, ये मछली मैंने वॉल पुट्टी से बनाई थी, और उसमें भी मैंने छोटा सा स्नेक प्लांट लगाया हुआ है। अलमारी के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, इस अलमारी को मुझे वापस से चेंज करना है, कलर करना है इसमें, वो भी मैं दिवाली के बाद ही करूँगी, या दिवाली की जो सफाई होती है ना उसके बाद करूँगी, जिससे दिवाली तक अच्छा बढ़िया सेट हो जाए ये सारा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चीकू का फ्रेंड आया हुआ है, इसलिए चीकू नीचे चला गया और साथ में ब्रेकफास्ट भी कर रहा है, पोहे खा रहा है, और चीकू के पापा भी अखबार पढ़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा थक गई थी तो मैंने सोचा कि चलो इनका ही थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो मत खाओ, मुझे मालूम है अब तो तुम खा ही नहीं पाओगे। अब मैंने मेरे हस्बैंड को बुला लिया, क्योंकि कुछ ऐसा काम था जैसे कि बड़े बड़े गमलों को उठाना, और साथ में कुछ चीज़ें हैंग करनी थी, मतलब प्लांटर मुझे हैंग करने थे, तो थोड़ा सा आइडिया लेना था मुझे उनसे। तो ये देखिए, ये एक पुराना प्लांटर पड़ा हुआ था जिसमें मनी प्लांट लगा के मैंने यहाँ पर हैंग करवाया। दोस्तों, पेड़ पौधे पृथ्वी पर ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं, जो कि हमें जीवन प्रदान करता है प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए, तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मेरे हस्बैंड तो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, जो भी मैं उनको बोलती हूँ, मतलब पेड़ पौधे या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हूँ तो मेरी हेल्प करते हैं।
ये देखिए, ये इस अलमारी पे अभी आप मत जाइएगा, इसको भी मैं सही करूँगी, कलर करूँगी, और इस ड्रम को भी सही करना है। ये प्लांट्स रखे हैं, और ये जो पेड़ आपको पीछे दिख रहा है ये मैंने बनाया हुआ है एक्रिलिक कलर से। तो बताइएगा आप कमेंट करके कि कैसा लग रहा है ये। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे न्यू व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।